What's up guys? मैं आज का ऑफिस अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ड्राई स्किन के मामले में। मतलब अगर आपकी स्किन का भी पापड़ी चाट हो रखा है, मतलब पपड़ी गिरे जा रही है, तो आपको ये काम करने जिससे ये सारी चीजें ना हो, कभी ना हो आपकी जिंदगी में, आगे आज कल 50 साल बाद कभी भी ना हो। तो चलो वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट होने वाले वो होने वाले सूरज की किरणों से बचो। मतलब आपको सन से बचना है, क्योंकि वो आपका ग्लूकोज भी चूसेगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन को भी ड्राई करता जाएगा और बर्बाद करता जाएगा धीरे धीरे, और आपके पोर्स भी बड़े होते जाएंगे और ड्राई होती ही चली जाएगी स्किन। तो स्किन इस मामले में आपको बचने के लिए आपको ये नहीं करना है कि घर में बैठ जाओ, कोई काम धंधा मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन आपको ये करना है कि सनस्क्रीन लगा के निकलो, SPF 50 मिनिमम। सेकंड पॉइंट होने वाला है मॉइस्चराइजिंग। ये आपको रोज करना जरूरी है और नहाते ही करना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन है ना उस टाइम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है इस मॉइस्चराइजर के बेनिफिट्स को। अगर आप ये गलत फहमी पाल के बैठे हो कि ऑयली फेस पे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑयली फेस पे भी मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपका फेस और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करे, वो वहीं तक रुक जाए, क्योंकि फेस को ये पता चल जाएगा कि आपके फेस पे ऑलरेडी उतना ऑयल है कि जितना मॉइस्चराइजर ने प्रोवाइड कर दिया और उसको ऑयल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ऑयली नहीं होना है और सेक्सी दिखना है 50 की एज में भी, ताकि कोई भी लड़की आपसे आके चिपक जाए, तो ये काम आपको करना जरूरी है। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है ऑयल से रिलेटेड। आपको ऑयल लगाना जरूरी है। मतलब आप रात को कोई सा भी ऑयल लगा के सो सकते हो, मतलब जोजोबा ऑयल आता है, लेकिन स्पेलिंग जोजोबा है, तो आपको वो ऑयल लगा के सो सकते हो, आपके नेचुरल ऑयल्स की तरह है ना, नेचुरल ऑयल्स की तरह ही रहता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑयली कर देगा, और ऑयली है तो ज्यादा ऑयली नहीं करेगा, जितनी है उतनी ही रहेगी, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल रह सकता है। फोर्थ पॉइंट होने वाला है वॉर्म वाटर। आपके बालों का जितना बड़ा दुश्मन है, उतना ही बड़ा दुश्मन है आपकी कहीं की भी चमड़ी का, फेस हो, हाथ पैर हो, कहीं पर भी हो, ड्राई कर देगा, बर्बाद कर देगा, विनाश कर देगा, खत्म कर देगा। तो प्लीज ये वॉर्म वाटर को यूज करना बंद कर दो, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट होने वाला है फेस मास्क से रिलेटेड। आपको फेस मास्क लगाना चाहिए एक हफ्ते में एक बार। अभी अपन पोर्स को छोटा करने की बात नहीं कर रहे, वो कभी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अपन आज बात कर रहे हैं मॉइस्चराइजिंग की। मेन टॉपिक है मॉइस्चराइजिंग। तो ड्राई स्किन ना हो इसलिए आप बाहर से भी कोई अमेजोन से नॉर्मल फेस मास्क ले सकते हो, या फिर घर पे बैठे बैठे बना सकते हो। मतलब अपने घी यूज कर सकते हो, आप प्योर घी यूज कर सकते हो फेस मास्क के लिए, या फिर मैंने पहले भी अपने चैनल में बना रखा है फेस मास्क के बारे में ये वाली वीडियो। बेसन और मलाई का, मतलब दूध की मलाई का फेस मास्क आप यूज कर सकते हो, जो आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, उसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग भी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आपको अपने फेस को ड्राई होने से बचाना है। वो कैसे हो सकता है? आपको सोप से अपना फेस साफ नहीं करना है, किसी भी माइल्ड फेस वॉश से साफ करना है, वो भी एक दिन में दो बार से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आपका ड्राई फेस है या फिर एक्सट्रीम ड्राई फेस है। तो ये थे मेरे 6 टिप्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।